हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मिक्स टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग के लाइफ साइकिल में यानी जीवन में दो बार दांत आते हैं। फर्स्ट टाइम जो टीथ ग्रो करता है वो कब, जब बेबी स्माल होता है, और इस प्रकार के टीथ को मिल्की टीथ कहते हैं। जबकि जो मिल्की टीथ होता है वो टेम्प्रोरी होता है और कुछ समय बाद वो लूज होकर के गिर जाता है। मिल्की टीथ का गिरने का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 8 इयर्स के बीच लूज हो करके गिर जाता है। जब मिल्की टीथ गिर जाता है बच्चों में, दूसरा सेट ऑफ टीथ ग्रो करता है मिल्की टीथ के प्लेस पे दूसरे टाइम, और उस टीथ को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ मिल्की टीथ के प्लेस पे ग्रो करता है और ये ऐसा टीथ है जो ओल्ड एज तक पीपल्स में बना रहता है। अब इसके जगह पर कोई नया टीथ ग्रो नहीं करता है। टूथ डिके मतलब टूथ का सड़ना कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। टूथ डिके पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें पढ़ लेना चाहिए पहले स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अगर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ इनेमल पाई जाती है। ये व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है इनेमल। उसके बाद जो येलो की कलर की स्ट्रक्चर है इसको डेंटाइन कहते हैं, और उसके नीचे जो होती है पल्प कैविटी पाई जाती है जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। टूथ जो है गम्स में एम्बेडेड होता है। टूथ में सबसे बाहर की तरफ एक वाइट हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और उस इनेमल के नीचे डेंटाइन पाया जाता है और डेंटाइन बोन के समान होता है। डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होती है जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर स्टूडेंट दांतों को प्रॉपर रूप से क्लीन ना किया जाए तो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। और टूथ डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टूथ सड़ने लगते हैं और उनके अंदर कैविटी का फॉर्मेशन या होल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से टूथ एच यानी दांत में दर्द वगैरह होने लगते हैं।
यदि भोजन करने के बाद दूध को प्रॉपर रूप से साफ ना किया जाए तो जो फूड है वो टीथ में इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है, और फिर बहुत सारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं इस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि फूड में शुगर होता है और शुगर पर बैक्टीरिया का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो बैक्टीरिया जब शुगर पर ग्रो करती हैं तो एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये एसिड जो हार्ड इनेमल है और डेंटाइन है इनको तोड़ने लगता है, जिसके वजह से कैविटी या होल बन जाती है। धीरे धीरे ये कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है, जिसके वजह से पेनफुल महसूस होता है, क्योंकि पल्प में नर्व पाई जाती हैं, ब्लड वेसल पाई जाती हैं, इसी को टू टच कहते हैं। ये टूथ कैविटी को इंडिकेट किया हुआ, ये पल्प कैविटी है। अगले फिगर में दिखाया ये गया है कि धीरे धीरे टूथ कैविटी पल्प कैविटी तक चली जाती है, जिससे दांतों में सेंसेशन पेंस महसूस होते हैं। तो आज के अब वीडियो में स्टूडेंट ये जाने कि टूथ डिके होता क्या है। तो इसलिए दो टाइम ब्रश करना चाहिए, एक अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर द टेकिंग फूड एट इवनिंग टाइम। मीन्स रात को भोजन करने के बाद भी टूथ ब्रश करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।